साहित्य अकेडमी दिल्ली व हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकेडमी शिमला की ओर से जिला सोलन के नौणी में युवा साहित्य एवं सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। नौणी पंचायत के सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में जहां स्कूली बच्चों ने पहाड़ी भाषा में कविताएं सुनाई, वहीं अन्य कार्यक्रम भी पहाड़ी ही भाषा में प्रस्तुत किए। वहीं पहाड़ी बोली में ही लघु नाटक द्वारा युवाओं में बढ़ रही नशा जैसी कुरीतियों से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। साहित्य अकेडमी दिल्ली व हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला की ओर से जिला सोलन के नौणी में युवा साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। नौणी पंचायत के सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में जहां स्कूली बच्चों ने पहाड़ी भाषा में कविताएं सुनाई, वहीं अन्य कार्यक्रम भी पहाड़ी भाषा में ही प्रस्तुत किए। वहीं स्कूली छात्राओं द्वारा कार्यक्रम के दौरान पहाड़ी परिधानों की भी झलक प्रस्तुत की गई। वहीं पहाड़ी बोली में लघु नाटिका द्वारा युवाओं में बढ़ रही नशा जैसी कुकृतियों से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। बच्चों में साहित्य वर्धन करने के उद्देश्य से ग्राम लोक योजना के तहत आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के सदस्य श्रीनिवास जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर प्रस्तुति देने वाले छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर सचिव हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला डॉक्टर करम सिंह, पंचायत प्रधान बलदेव सिंह ठाकुर शमरोड, स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा व साहित्यकार मदन हिमाचली सहित कई साहित्यकार मौजूद रहे। वहीं बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के सदस्य श्रीनिवास जोशी ने स्कूली बच्चों द्वारा नशे के खिलाफ प्रस्तुत किए नाटक की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों ने नशे के खिलाफ बहुत सुंदर संदेश दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि एक सर्वे के मुताबिक अधिकतर लोगों को नशे की लत स्कूल के समय से ही लग जाती है और इससे बचने के लिए स्कूल के अध्यापकों को खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। ये आज का जो यहाँ ग्राम आलोक कार्यक्रम हुआ है, ये साहित्य अकादमी दिल्ली की और हिमाचल कला संस्कृति अकादमी की मेल जोल से यहाँ पर किया जा रहा है। वास्तव में हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों में साहित्य वर्धन किया जाए, बच्चों में ये भावना पैदा की जाए कि वो अधिक से अधिक किताबें पढ़ें, अधिक से अधिक लिखें पढ़ें और ये साहित्य को गांव-गांव तक पहुंचाना, ये हमारा एक उद्देश्य है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।